नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी आज आपको 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। हम में से अधिकतर यह सोचते हैं कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत शासन कर रहे थे के विरुद्ध पहला असंतोष था। हालांकि 1857 के विद्रोह से पूर्व कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने दर्शाया कि सब कुछ ठीक नहीं था और विदेशी शासन के विरुद्ध जन असंतोष पनप रहा था। इस असंतोष ने स्वयं को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के अलग-अलग समूहों द्वारा परिवर्तन एवं विद्रोह के रूप में उजागर किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लोगों के विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में लोक शब्द से भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय एवं वर्ग शामिल होते हैं जो नकारात्मक रूप से विदेशी शासन से प्रभावित थे। किसानों, शिल्पकारों, जनजातीय शासक वर्ग, सैन्यकर्मी इत्यादि कभी अकेले तो कई बार मिलकर अपने हितों की रक्षा हेतु विद्रोह किए और लड़ाइयाँ लड़ी। इन विद्रोह के हित भाव अर्थ में भिन्न थे, जैसा कि प्रत्येक वर्ग की अलग-अलग शिकायत थी, लेकिन इन सबका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन का अंत। औपनिवेशिक सरकार द्वारा आरोपित गृह कर के विरुद्ध 1810 में बनारस में विद्रोह, नमक कर के विरुद्ध 1814 में सूरत दंगे, निगम करों एवं पुलिस कर के विरुद्ध बरेली में बढ़ते विद्रोह, शहरी आंदोलनों के कुछ उदाहरण हैं जिसमें शिल्पकार, छोटे दुकानदार एवं शहरी गरीबों जैसे निचले पायदान पर खड़े लोगों ने समुद्री शहरी भद्रजनों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बिपिन चंद्र के अनुसार जन विद्रोह को तीन व्यापक रूपों से देखा गया है, जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान आंदोलन। इनमें जन विद्रोह के रूप में सैन्य विद्रोह भी शामिल है जिसमें कंपनी की सेनाओं में नियोजित भारतीय शामिल थे ताकि वे जन विद्रोह का अधिक व्यापक तौर पर अध्ययन किया जा सके। अब जन विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे इसको लेकर इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, लेकिन सभी के सभी जो मत हैं वो सर्वमान्य हैं। जो मूल महत्वपूर्ण कारण माने गए हैं जन विद्रोह के वो हैं औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का भारी बोझ, किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करना तथा जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण जन विद्रोह के कुछ मूलभूत कारण थे। इसके अलावा ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं, ऋणदाताओं के बढ़ते शोषण से और वो जो शोषण लगातार बढ़ रहा था इसके कारण भी जन विद्रोह हुआ। जनजातियों और आदिवासियों की भूमि पर राजस्व प्रशासन के प्रसार ने आदिवासियों को उनकी कृषि भूमि और एवं वन भूमि से वंचित कर दिया था। ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं के प्रसार भारतीय उद्योगों विशेष रूप से निर्यात पर भारी करों ने भारतीय हथकरघा एवं दस्तकारी उद्योगों के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। स्वदेशी उद्योगों के विनाश ने कामगारों को उद्योग से कृषि की ओर गतिशील किया
जिससे भूमि कृषि पर दबाव में वृद्धि हुई। ये जन विद्रोह के मुख्य कारण थे और नागरिक विद्रोह के प्रमुख कारणों में से कंपनी के अधीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था के में तीव्र परिवर्तन, औपनिवेशिक स्थिति के कारण विभिन्न जमींदारों एवं पोलीगर को अपनी जमीन एवं राजस्व से हाथ धोना पड़ा। सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों तथा ऋणदाताओं के एक नवीन वर्ग के कारण परंपरागत जमींदारों एवं पोलीगरों के ओहदे में कमी आई, जिससे उनके अहम को चोट पहुंची। ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी चरित्र, जो हमेशा इस देश के लिए विदेशी ही बने रहे और उनके अपमानजनक व्यवहार ने स्थानीय लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। धार्मिक पुजारियों, पादरियों, पंडितों इत्यादियों ने विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं विद्रोह को बढ़ावा दिया, क्योंकि धार्मिक उपदेशक, पुजारी, पंडित, मौलवी इत्यादि परंपरागत जमींदारों एवं नौकरशाही अभिजात पर निर्भर थे। जमींदारों एवं सामंतों के पतन ने प्रत्यक्ष रूप से धर्मगुरुओं के वर्ग को प्रभावित किया था। औपनिवेशिक नीतियों के कारण बर्बाद भारतीय दस्तकारी उद्योगों ने लाखों दस्तकारों को गरीबी में धकेल दिया था। राजाओं, जमींदारों, सामंतों जैसे उनके परंपरागत संरक्षकों एवं खरीदारों के समाप्त होने से उनकी दयनीय स्थिति में इजाफा हुआ। ये नागरिक विद्रोह के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके अलावा जो विशेषताएं थी नागरिक विद्रोह की, इस विद्रोह के नेता अर्ध सामंतवादी, दक्यानुषी एवं पुरातनपंथी थे। उनका मूलभूत उद्देश्य शासन एवं सामाजिक संबंधों की पुरातन रूप एवं व्यवस्था को बनाए रखना था। ये विद्रोही स्थानीय कारणों एवं परेशानियों का परिणाम थे और अपने परिणामों में भी स्थानिक थे। यद्यपि काल्पनिक एवं स्थानिक संदर्भ में पृथक होते हुए भी लगभग सभी एक सी स्थितियों से गुजर रहे थे। अब प्रमुख नागरिक विद्रोह के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जो मूल प्रमुख नागरिक विद्रोह हुए उसमें सन्यासी विद्रोह, मदीनापुर एवं धालबूम में विद्रोह, मुआमरिया विद्रोह, गोरखपुर, बस्ती एवं बड़ाइच में नागरिक विद्रोह, विजयनगरम के राजा का विद्रोह इत्यादि के अलावा बदनूर में घुंडिया का विद्रोह, केरल वर्मा पसाजी का विद्रोह, अवध में नागरिक विद्रोह, गंजम एवं गुमसुर के विद्रोह, पालमो के विद्रोह, ये कुछ ऐसे विद्रोह हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इसी तरह से पोलीगरह विद्रोह, भवानी विद्रोह, दीवान थेलू थम्पी का विद्रोह, बुंदेलखंड में अशांति, परल किमेडी विद्रोह, कच्छ विद्रोह, बरेली में असंतोष, हाथरस में विद्रोह, पायकों का विद्रोह, बगेरा विद्रोह, अहम विद्रोह, सूरत नमक विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सामंतवादी विद्रोह, नायक विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, रामोसिस विद्रोह, विशाखापट्टनम के विदेही विद्रोह, कुर्ग का विद्रोह, कोलिय विद्रोह, बुंदेल विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह, बहावी आंदोलन, कुक्का विद्रोह इत्यादि कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जो पूरे संपूर्ण भारत में हुए। जो कालांतर में जब 1857 की क्रांति हुई तो ये विद्रोह विस्फोट के रूप में उभर कर संपूर्ण भारत में फैल गया और 1857 की क्रांति में लोगों को जगाने में इन विद्रोह का मूल कारण रहा। इस विद्रोह से आम जन जुड़ा हुआ था जो जिसका
अंग्रेजों के प्रति कहीं ना कहीं उनको उन अंग्रेजों के प्रति एक तरह से घृणा का भाव आ गया था, क्योंकि जो शोषण की जब पराकाष्ठा पहुंच जाती है तो क्रांति या विद्रोह का जन्म होता है। तो इस शोषण के विरोध में ये विद्रोह हुए जो बाद में संगठित होकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फूटे, जिसे हम 1857 की प्रथम क्रांति के रूप में जानते हैं। इसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा कल। धन्यवाद।